आज मैं आपके लिए बवासीर यानी पाइल्स, भगंदर यानी फेस्टुला या फिर फिशर, ऐसी तीनों बीमारियों में से अगर कोई बीमारी है तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ये तीन इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है जो बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये तीन मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो नंबर वन पे है नाग केसर। नाग केसर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इन बीमारियों के लिए। ये इन बीमारियों का काट होता है, यानी इन बीमारियों को ये जड़ से दूर करने की बहुत ही बढ़िया सी रामबाण दवा है। ये आपको बहुत ही ईजिली आयुर्वेद के दुकान पे मिल जाएगा। ये पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है। हम अमेज़ोन पे आपका उसका लिंक दे देंगे, आप ईज़िली आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये पहला इंग्रेडिएंट है नाग केसर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे इस रेमेडी में ज़रूर यूज़ करिए। इसके साथ आता है ये फ्रेश मक्खन, यानी ताज़ा मक्खन जो घर का बना हुआ होता है। ये बहुत आसान है बनाना। अगर आपको नहीं बनाना आता तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजी वे में बता देंगे, आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और घर का ताज़ा बना हुआ मक्खन इस रेमेडी में आप यूज़ करिए, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके साथ तीसरा इंग्रेडिएंट जो है ये है मिश्री। आपको लेनी है धागे वाली मिश्री, ये भी आपको आयुर्वेद की दुकान पे मिल जाएगी या आप ऐसे भी जाएंगे किराना स्टोर पे भी आपको धागे वाली मिश्री कह के मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसको कूट पीस के आपको इसका पाउडर बना लेना है, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है, फिर हम इसकी रेमेडी बना के तैयार करेंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे खाना है और कैसे बनाना है। तो देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है इसकी क्वांटिटी जानना कि हम इसको कितने रेशियो में हमें यूज़ करना है। नाग केसर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना इस रेमेडी में। इसे हमें लेना है सिर्फ 5 ग्राम। हम आपको अभी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे कि कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। अमेज़ोन पे ये है, हमने इसको देखा है, सर्च आउट किया है, बहुत ईजिली आपको इसे मिल जाएगा। हम आपको इसका लिंक दे देंगे। और साथ साथ ये मक्खन, ये घर में आप इसे बना के तैयार करिएगा। ताज़ा मक्खन आपको यूज़ करना है, तो बहुत आसान है बनाना। इसे भी आप घर में तैयार कर सकते हैं, सबके घरों में मिलता भी है। तो इसे क्या करते हैं, बनाते हैं तो मक्खन जो ऊपर निकल के आता है उसी को हमें इसको निकाल के लेना है। और तीसरा है मिश्री, इसको भी आप कूट पीस के तैयार कर लीजिए। जिस तरह से देखिए पाउडर में बना के रखे हैं, इसी तरह से पाउडर फॉर्म में हमें यूज़ करना है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है सारी क्वांटिटी। 5 ग्राम नाग केसर लेना है, 10 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री पाउडर बना के लेना है और 10 ग्राम आपको लेना है ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन। ये तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आप ध्यान से देखिए। नाग केसर को दिन भर में 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो 5 ग्राम की क्वांटिटी में आप सुबह एक बार मॉर्निंग में ले सकते हैं इसको। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज़्यादा है, हफ्ते में 1 से 2 ही बार टॉयलेट पॉस आउट होता है, तो आप इसे 2 बार दिन में यूज़ करिए। तो आप सिर्फ 5-5 ग्राम की क्वांटिटी में लेंगे। तो अगर आप क्वांटिटी इसे नाप नहीं सकते तो स्पून से एक मेज़र कर लीजिए, जैसे स्पून से हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे आपने नाग केसर हमें लेना है 5 ग्राम, तो आप लीजिए इसको 1/2 स्पून। तो सबसे पहले ये देखिए हम मिश्री पाउडर ले रहे हैं, 1 चम्मच ले रहे हैं मिश्री पाउडर और 1 चम्मच लेंगे मक्खन। तो ये दोनों 1-1 चम्मच आप ले लीजिए और 1/2 चम्मच आप ले लीजिए नाग केसर। ये तीनों चीज़ इस तरह से आप मिला के एक बाउल में अलग से करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप मिश्री पाउडर और मक्खन को भी एक साथ मिला के ऐसे भी खा सकते हैं। इसको खाने से भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो कब्ज होता है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप मिश्री और मक्खन मिला के भी इसे आप खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप खाइए इसको, ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और 1/2 स्पून, देखिए इस स्पून से हम नाप रहे हैं, 1/2 चम्मच आपको लेना है नाग केसर, यानी ये एक टाइम की दवा बन के तैयार हो रही है। तो एक टाइम में आपको इतनी क्वांटिटी में मिलाना है। देखिए इस तरह से हम आपको इसीलिए ध्यान से दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से आपको लेना है। और फिर इसको आप मिक्स कर लीजिए, प्रॉपरली इसे मिला लीजिए, जिससे तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो इसे आप खा सकते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो सुबह इसको अच्छे से मिक्स करके सुबह आप इसे खाली पेट खा लीजिए और फिर पानी पी लीजिए। फिर आप देखेंगे इसको यूज़ करने से जो कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज होता है, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। जो स्टूल पास आउट होने में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है, ये वो बहुत ईजिली पास आउट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज है वो ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और अंदर से जो ये बवासीर या इसके मस्से के जो घाव होते हैं, जिन जो कष्टदारी होते हैं, जिससे स्टूल पास आउट होने में जो कट जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है नसों में,
उन नसों को ये सुखाता है, यानी उसकी जो सूजन होती है उसको भी ये दूर करता है। तो ये अंदर से अंदरूनी घावों को भी दूर करता है और आपकी कब्ज की समस्या को भी दूर करेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है, इसको हमने कई लोगों से सुना है कि ये खाने से इसी बीमारी दूर हो जाती है। और फिर हमने आयुर्वेद की बुक पे इस पर भी देखा, उसको कई जगह इसके लेख को भी पढ़ा, इसके बारे में इसके इफ़ेक्ट को भी खोजा, तो हमें मिला कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है इन बीमारियों के लिए दवा। तो उसी के आधार पे मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। आप 1 से 2 दिन में आप इसके इफ़ेक्ट देखेंगे और 3 दिन में आपको ये पता चलने लगेगा कि आपके ऊपर ये असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कई रेमेडीज़ दी हैं बवासीर और भगंदर की बीमारियों के लिए। भगंदर के लिए हमने एक पट्टी भी बना के दिया है कि अगर जो घाव हो जाते हैं बाहरी पस और मस्से हो जाते हैं, उसमें जो पस भर जाता है उसको किस तरह से हम सुखाते हैं, तो आप मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी चीज़ों का लिंक दे देंगे, आप देखिए। बहुत इफ़ेक्टिव सी दवा है भगंदर के लिए, फेस्टुला के लिए। तो आप ये दवाई तीनों बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तीनों बीमारियों में किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब बवासीर बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ही भगंदर का रूप लेता है, और जब भगंदर बहुत ज़्यादा स्टेज पे आ जाता है तो वो फेस्टुला का रूप ले लेता है। तो ये बीमारियाँ जो होती हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटिव हैं। तो आप इस रेमेडी को आप तीनों बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे खाएंगे तो पहले दिन ही आपको इसका असर मिलेगा, और 1 हफ्ते आपको इसको कंटिन्यू यूज़ करना है। आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपको इसका असर दिखने लगेगा और आपकी ये बीमारी अंदर से बिल्कुल दूर होने लगेगी। और मसों के लिए हमने बहुत इफ़ेक्टिव सी क्रीम बना के दी है, आप उसे देख लीजिए, उसे लगाइए। अगर बाहरी मसे हैं, उसमें खुजली है और दर्द है, तो उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। तो सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, साथ साथ कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जो हमने डाइट चार्ट दिया है आप उसे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि जब आप परहेज के साथ कोई भी दवा यूज़ करेंगे तभी आपको उसका 100% इफ़ेक्ट मिलेगा। और अगर परहेज नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा बाहर का चीज़ खा रहे हैं या फिर फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयली चीज़ खा रहे हैं, तो रेमेडीज़ जल्दी असर नहीं करता। फिर आप कहेंगे ये रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, फेक है। कोई भी होम रेमेडीज़ है, आयुर्वेदिक दवा है, तो उसके साथ आपको परहेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कब्ज की समस्या की वजह से ये बीमारी होती है। तो कब्ज ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना जो आपके कब्ज को बढ़ाए, बादी चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमने बताया है पानी बहुत इफ़ेक्टिव इस बीमारी के लिए, आपको दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है, और छाछ आपको पीना है। छाछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के लिए। अगर आपको जब भी प्यास लगे, अगर आप छाछ पीते हैं दिन भर, तो आप देखेंगे आप छाछ और पानी पी के ही आप अपने आधी से ज़्यादा बीमारी दूर कर सकते हैं। छाछ भी बनाने का एक बहुत ही स्पेशल सा प्रोसेस है इस बीमारी के लिए, कि छाछ हम किस तरह से बनाते हैं आप बोलेंगे तो हम आपको उसकी रेसिपी ज़रूर देंगे कि किस तरह से आप छाछ बनाइए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उस छाछ की रेसिपी हम जल्दी आपको अपलोड करके देंगे। तो खान पान का आप अपने जीवन शैली में ज़रूर ध्यान दीजिए, साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहिए। बहुत ज़्यादा देर तक बैठे मत रहिए, बहुत ज़्यादा लेटिए नहीं, चलते फिरते रहिए। और ये जो हमने बताया है उसे आप फॉलो करिए, रेमेडीज़ के साथ आप जो हमने डाइट चार्ट दिया उसे आप ज़रूर फॉलो करिए, फिर आप देखिए कैसे बीमारी से आप मुक्त हो जाते हैं और आपको बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाएगा। तो अगर आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, आपको इसका इफ़ेक्ट दिखता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कितना इफ़ेक्ट मिला। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस रेमेडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।